नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिनको अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में एडमिशन करवाना होता है, या उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी होता है जो अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनका ट्रांसफर किसी और सिटी से किसी और सिटी में हो गया हो। इन तीनों के लिए ही ये 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब उनको अपने बच्चों के लिए नया स्कूल तलाश करना होता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए स्कूल तलाश कर रहे हैं, यानी स्कूल सर्च कर रहे हैं कि हमारा बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में करवाएं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि नए स्कूल तलाश करते समय या अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवाते समय आपको स्कूल की कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा परेशान ना हो। स्कूल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी खासियत स्कूल में होनी चाहिए जिसके कारण आपका बच्चा अच्छे से वहां पर पढ़ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हर पेरेंट्स की ये तमन्ना होती है, हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, और बच्चा भी यही चाहता है कि मैं शहर के या सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो आपको स्कूल उस तरीके से ही ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, कुछ जानकारी देता हूं, जिसके थ्रू आप आसानी से पता कर पाओगे कि कौन सा स्कूल आपके बच्चे के लिए सबसे सुटेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप अगर स्कूल ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले चेक करिए उस स्कूल की रेपुटेशन, कि शहर में या उस सिटी में, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में उस स्कूल की रेपुटेशन क्या है। लेकिन ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि आप ऑनलाइन ही उसको चेक करेंगे, जरूरी नहीं कि आप उसकी वेबसाइट पे जाके ही चेक करें, क्योंकि वेबसाइट पे तो हर स्कूल अपनी अच्छी बात ही बताता है। तो आप क्या करेंगे, लोगों से पूछ के देखिए, उसके आसपास के जो एरिया है उससे पूछ के देखिए, आपको पता चलेगा कि स्कूल की रेपुटेशन कितनी अच्छी है या खराब है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है उस स्कूल का डिसिप्लिन। आपको बच्चों को देखकर लग जाएगा, जब आप स्कूल विजिट करेंगे तो वहाँ के बच्चों को देख के आपको लग जाएगा कि स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है। अगर स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा है तो आप निश्चित होकर उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तीसरा नंबर आता है सिक्योरिटी का, कि स्कूल की सिक्योरिटी कैसी है। वैसे भी जब आप किसी स्कूल में विजिट करते हैं तो गेट से ही आपको पता चलने लगता है कि स्कूल की सिक्योरिटी किस टाइप की है, क्योंकि अगर स्कूल की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो आपको हमेशा अपने बच्चे की टेंशन लगी रहेगी। फिर नंबर आता है एकेडमिक का। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, उसके 10th और 12th के रिजल्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वहाँ का एकेडमिक कैसा है। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो किसी भी स्कूल में वो अच्छा ही पढ़ेगा, चाहे एक उसका एकेडमिक कैसा भी हो, स्कूल का एकेडमिक कैसा भी हो, लेकिन आपका बच्चा अगर अच्छा है तो वो उस स्कूल में भी अच्छा ही पढ़ेगा, चाहे एकेडमिक वहाँ का कैसा भी हो। फिर नंबर आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का। आप देखिएगा जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने वाले हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस टाइप की है। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके घर तक है तो ही आप वहाँ पर एडमिशन करवाइए, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बच्चे को छोड़ सकें और वहाँ से ला सकें, इसलिए किसी भी स्कूल की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को जरूर चेक करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में करवाइए जो कि 12th क्लास तक हो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन ऐसे स्कूल में करवा देंगे जो 8 तक है या 10 तक है तो आपके बच्चे को बाद में स्कूल चेंज करना पड़ेगा, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, साथ ही आपको खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब स्कूल चेंज करेंगे तो एडमिशन फीस भी देनी पड़ेगी, आपको अपनी यूनिफॉर्म का पैसा भी देना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे खर्च एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इसलिए ऐसा स्कूल चूज करिए जो 12 तक हो। अगला पॉइंट है कि आप जिस स्कूल को चूज कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस आपके घर से कितनी है। अगर आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए इजी होगा स्कूल तक पहुंचना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बच्चे की स्कूल में तबीयत खराब हो जाती है और स्कूल से फोन आता है कि भैया आपके बच्चे का तबीयत खराब है, आप उसे लेने आ जाइए, अगर आप दूर रहते होंगे तो आपको वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा या देर लगेगी, इसलिए ऐसा चूज करिए स्कूल जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। अगला पॉइंट कि आप स्कूल को बार बार चेंज ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है 2 साल किसी स्कूल में पढ़े फिर चेंज कर दिया, फिर 2 साल पढ़े फिर किसी चेंज कर दिया, फिर 1 साल पढ़े फिर चेंज कर दिया, तो आप इस टाइप से स्कूल बार बार चेंज ना करें, क्योंकि स्कूल चेंज करने में बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है और आपको खुद को भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जाती है, किसी स्कूल में उसको पढ़ाई समझ में आती है लेकिन जब दूसरे स्कूल में जाता है तो वहां पर उसको पढ़ाई
ठीक नहीं लगती या वो उसको कैचअप नहीं कर पाता है, इस वजह से उसका जो एकेडमिक है वो खराब हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे का जो स्कूल है वो बार बार चेंज ना करें। अगला नंबर आता है एक्टिविटी का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि पढ़ाई के अलावा उस स्कूल में और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, एनसीसी हो गया, स्काउट गाइड हो गया, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो स्कूल में आए दिन होती रहती है। अगर किसी स्कूल में पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जाता है तो आपको ऐसे स्कूल को चूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ये चीजें भी चाहिए होती है ताकि उसका स्कूल में मन लगे और पढ़ाई में भी मन लगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा ही हो सकता है वो स्पोर्ट में अच्छा हो तो उसमें अपना नाम कमा सकता है, हो सकता है वो गाने में बहुत अच्छा हो तो उसमें जा सकता है। इसलिए इन एक्टिविटी का ध्यान जिस स्कूल में रखा जाता है उसमें आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए। और लास्ट में नंबर आता है फीस स्ट्रक्चर का। अब आप ये बोलेंगे कि फीस स्ट्रक्चर को आपने लास्ट में क्यों रखा? मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि अगर आप ये जो पहले मैंने 9 चीजें बताई है अगर ये सभी चीजें किसी स्कूल में मिल जाती है तो आप फीस स्ट्रक्चर को उतना ध्यान नहीं दोगे और अपने बच्चे का एडमिशन करवा लोगे। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फीस स्ट्रक्चर को आपको फर्स्ट में रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो दिखावे के चक्कर में या किसी से कंपटीशन करने के चक्कर में अपने बच्चे को बड़े से बड़े या महंगे से महंगे स्कूल में भेज देते हैं और फिर उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते और उसका खामियाजा स्टूडेंट को यानी आपके बच्चे को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में फीस के लिए बोला जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, अगर आप अफोर्ड कर पाए तो ही आप बड़े स्कूल में या महंगे स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, अदरवाइज और दूसरे स्कूल में जो आपके रेंज में आते हो ऐसे स्कूल में उसको भेजिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए कि जानकारी आपको कितनी सही लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।